हिंदू नववर्ष पर मैनपुरी में निकलेगी विशाल शोभा यात्रा। कई प्रदेश की फेमस झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 9 अप्रैल यानी नवरात्रि के प्रथम दिन मंगलवार को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल हिंदू नववर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा की तैयारी के संबंध में नववर्ष शोभा यात्रा समिति की बैठक नगर के पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री एकरसानंद आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में शोभा यात्रा का रूट, झांकियां और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। महाराज जी, नववर्ष शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ योजना बनाई गई है उसके लिए और किसके नेतृत्व में इस बार निकाली गई? नववर्ष शोभा यात्रा 9 तारीख को आयोजित है और जिस प्रतिवर्ष हम लोग नववर्ष के लिए एक संयोजक की नियुक्ति करते थे, लेकिन इस बार संयोजक का किसी का नाम नहीं रखा गया है। जो नववर्ष महोत्सव समिति है, समिति के माध्यम से भी शोभा यात्रा निकलेगी और हमारे सभी संगठन हमारे साथ हैं, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, उनके नेतृत्व में यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा के माध्यम से हम नगर में जागरण करना चाहेंगे। प्रतिवर्ष की बात है, जिस तरह से प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाल के नगर में जागरण करते हैं कि अन्य पर्वों की तरह, अन्य त्योहारों की तरह नववर्ष वाले पर्व को हम समाज में परोस सकें, समाज में हम उसको मना सकें, इसलिए हमारा शोभा यात्रा के माध्यम से प्रयास है। शोभा यात्रा वाले दिन हमारी बहन बेटियाँ अपने दरवाज़ों पर रंगोली सजा करके बनाएँ, हमारी माताएँ घरों में पकवान भोजन बनाएं, जिससे बच्चे लालायित होकर के पूछेंगे आज क्या है, माताएं उत्तर देंगी कि आज हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है। नववर्ष के का उत्तर देते समय ये जरूर माताएं बताएंगी कि जो 1 जनवरी नववर्ष मनाते हैं वो नकली नववर्ष है, हमारा असली नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। इसके लिए हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और एक दूसरे को बधाई के माध्यम से हम बधाई देंगे। नववर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर हम नहीं कहेंगे, हमारा नववर्ष मंगलमय हो ऐसा करें। जब एक दूसरे को बधाई देंगे तो हमारे नववर्ष का जो असली नववर्ष है उसका ठीक से प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या झांकियां और विभिन्न प्रकार के आकर्षण क्या रहेगा? शोभा यात्रा में तमाम झांकियों की व्यवस्था की गई है, विद्यालयों से भी संपर्क किया गया है, विद्यालयों से अभी हमको झांकियां मिलने वाली हैं, सजीव झांकियां हमारे यहाँ आएंगी और अन्य झांकियों की व्यवस्था है। विशाल शोभा यात्रा जो प्रतिवर्ष निकलती है उससे किसी मायने में कम न हो, पूरी व्यवस्था की गई है, झांकियाँ अच्छी से अच्छी झांकियों के साथ हम शोभा यात्रा निकालेंगे। सोनी गोल्ड ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सबसे सस्ते सोने व चांदी के आभूषण तैयार मिलते हैं। इस होली के पावन पर्व पर बेहतरीन ऑफर, सोना चांदी खरीदने पर बनवाई बिल्कुल मुफ्त। होली के पावन पर्व पर आकर्षक उपहार भी पाएं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है एटा तिराहा ट्रांसफार्मर के सामने शिकवाबाद। फोन नंबर 7302990405।